गुड आफ्टरनून। कुछ तो गड़बड़ है यार आज सेटिंग। मैं भी वही देखा हूँ। अब ठीक है, और ये फिक्स वाला आ गया पता नहीं कैसे। अब तो चेंज भी नहीं हो सकता है शायद। कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। चलिए, पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे मैंने। लेंस के सवाल क्या रहा, कुछ पूछना है? ठीक है, ऑन हो गया। हाँ, कुछ भी पूछना, जो भी बताया था करने को। वेट कर रहा हूँ भाई। अभी ना पूरा वीडियो यार जाके देख लो एनएसपी के बारे सर्च कर लो, स्पेशल क्लास एनएसपी। कोई डाउट नहीं है? ये वो HCV का क्वेश्चन नंबर 12 बोलिए। है। HCV का क्वेश्चन नंबर 12 हाँ, डाउट बोलिए भाई, आगे क्या? सर, इसमें इन्होंने फोकस भी एक आंसर दिया हुआ है, लेकिन दो इमेज बन सकती है इधर, एक इन्फिनिटी पे एक फोकस पे। तो इन्होंने कहा है कि एक इमेज बनेगी, वो कैसे? इन्फिनिटी पे क्या बन रही है? आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस लिखा तो है। नहीं लिखा सर। अरे मतलब उसको इमेज नहीं बोलेंगे ना, घूम फिर के वापस रे यहाँ आ ही रही है ना। अरे ये लिख रे इंफिनिटी तक जा कर रही है, इस मिरर से टकरा के वापस आ तो गई। अच्छा, ओ ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? अरे वो जो बीमार आदमी है वो मेरे साथ ही पंगे लेता है या औरों में भी? द वन हु शुड नॉट बी नेम्ड। अरे नाम मत लो यार, तुम लोग पागल हो क्या? समझ में नहीं आता कि इतना सा ऐसी चीजों का नाम लेते तो ऐसी चीजें आ जाती है। उसे मेरे साथ ही करता है ऐसा या बाकी और पे भी जाता है? सर मैं पूछूं डाउट, आपका वीसी चल जाए तो पूछ लो भाई।
उनसे ही पंगे लेता वो। अरे भगवान, वो तो खैर काफी प्यार से समझा देते होंगे। कुछ पूछना है मैं पढ़ाना शुरू करूं? लेट्स बिगिन देन। आई होप एच शर्मा के सवाल आप लोगों से हो गए होंगे, नहीं हुए तो सॉल्यूशन से काम चल रहा होगा। भाई अखंड नहीं काम करता हमारे यहाँ का इंटरनेट, तुम्हारा फोन खराब है, कुछ तो खराब है। बोलिए हेलो, आवाज आ रही है बोलिए। सर? हाँ सर, ये एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 13, भाई तो इसमें ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। M2 के लिए जो इक्वेशन लिखी है पहली वाली, एक्स को बराबर सॉल्यूशन कॉपी किया है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लेते यार। ये 60 यहाँ से पीछे हो जाएगा, यहाँ से पीछे हो गया, तो ये डिस्टेंस 30 + x, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी बना लिया करो भाई साथ साथ, लिख लो, ये चित्र बना लो। अब इंटरनेट सही हो गया तुम्हारा? सर कल गड़बड़ था, हाँ कल चल रहा था गड़बड़, आज सही चल रहा है। कौन सा इंटरनेट ले रखा था? जियो ही। कौन सा इंटरनेट ले रखा तुमने? जियो। फोन कौन सा है? सैमसंग। तो फोन तो पुराना नहीं है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा वो परेशान करता हो, या तुमने अपडेट नहीं कर रखा हो? वही पुराना है। इसमें साइज बोलो। ऑफ इमेज ये कैसे आया है, नहीं समझ में आ रहा है। O2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीज कैसे आया? इमेज साइज, यस सर। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है? सॉल्यूशन कॉपी सर 3। अबे ये क्या लिखा है? माइनस एम स्क्वायर सॉल्यूशन में यही है सर, बीच में ऐसा सिंबल है। यस सर। टी टी का ऐसा ही था। कौन सा, ये किसका सवाल है? ओ
O2 का क्वेश्चन नंबर 3 S2 S1 का O2 2 शॉर्ट लीनियर लिखा था बेटा, क्लास में डिराइव तो करवाया था यार। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला नहीं डिराइव करवाया था मैंने? हाँ सर, शॉर्ट लीनियर लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट का वही तो यूज किया। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? हेलो, यस सर, हेलो हेलो, क्या समझ में नहीं आ रही? हाँ सर आ गया, साइज ऑफ इमेज यही फॉर्मूला था। समझ गया, ढंग से चेक करके आओ, तैयारी करके। आधे टाइम इंटरनेट काम नहीं करता, बचे आधा टाइम जो 1.5 किलो का टॉप वाला तुम्हारा सामान है वो काम नहीं करता। तैयारी करके आओ, पूछना क्या भाई, खुद ही कंफ्यूज हो जाते टाइम तो। और कोई है? नहीं, चलिए, बिल्कुल तैयारी करके नहीं आता है अखंड, इसको पता ही नहीं होता, पूछना क्या, बहाने मारता है इंटरनेट। ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक लेंस है, फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स, ये स्क्रीन है, ठीक है, और इस लेंस को अपन मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस एक्स, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, कैपिटल डी, ठीक है। सो जो दो इमेजेस बनेंगी, एक्चुअली दो इमेजेस बनती है यहां पे, दो बार इमेज बनती है, उनके मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट निकालना है आपको कितना है, करेक्ट ना? ये ऑब्जेक्ट का हाइट एच, एक बार ट्राई कर लीजिए फिर बताओ। क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस ही होगी, कुछ नहीं तो।
शुरू करते हैं। तो यहां पे इमेज बन रही है शार्प, तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया d माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस एक्स, राइट, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया ऊपर df, और सामने क्या आ गया, राइट, सो क्वाड्रेटिक बन गए x स्क्वायर माइनस dx प्लस d इनटू f इज इक्वल्स टू जीरो। x के लिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दो रूट्स आएंगे, मेरा रूट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि जो दो रूट्स आएंगे उनका सम क्या होगा, कैपिटल डी, राइट। तो फर्स्ट केस में दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था एक्स वन, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस था डी माइनस एक्स वन विच इज एक्स टू, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था एक्स टू, तो इमेज डिस्टेंस था d minus x2 which is x1, so first case ka magnification is x2 by x1, aur second case ka magnification is modulus ki baat kar raha hu, x1 by x2, matlab ki pehle case mein image bani thi yadi h1 height ki object ho to wo x2 by x1, aur dusre case mein h2 by h0, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, सो दिस बिकम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, बिकॉज इससे हमें क्या मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, कि हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट नाप के निकाल सकते हैं, राइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, विच इज क्वाइट स्टूपिड, सीधे ही नहीं निकाल सकते क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना सारा पंच चर्चाने की क्या जरूरत थी, हाँ एक्चुअली मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रही है ये बात, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसकी इमेज ऐसे ही लिख ले, बात समझ में आई क्या, ये ऑब्जेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट निकाल लो, पर मान लो ये पीछे कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से इमेज बनी थी ये, और इसकी इमेज की लेंथ निकालनी, तो कैसे निकालोगे इस इमेज की लेंथ, इस तरीके से आप निकाल सकते, गॉट इट, चलिए मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल क्लियर,
नेक्स्ट न्यूटन्स फॉर्मूला, एग्जैक्टली सिलेबस में नहीं है बट चोरी छुपे सवाल दे देते हैं। तो न्यूटन्स फॉर्मूला में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको याद होगा ये ऑब्जेक्ट फोकस है, ये इमेज फोकस है, ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ है एक्सो, ये इमेज का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ है एक्स आई। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखेंगे ऑब्जेक्ट फोकस से और उसको कह रहे हैं एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा, एफ प्लस एक्स नॉट, और इमेज का डिस्टेंस लिखेंगे इमेज फोकस से तो ये कितना हो जाएगा वाई, एक्स आई माइनस एफ। इसको लेंस मेकर फॉर्मूले में पुट करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। करिए सॉल्व करिए, करो भाई। भाई वन बाय एक्स आई को पुट कर दो, वाई प्लस एफ, वन बाय एक्स ओ को पुट कर दो, एक्स माइनस एफ,
क्या बन गया ये एक्स एफ माइनस आई एफ माइनस टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई एफ प्लस एक्स एफ माइनस एफ स्क्वायर। इतनी देर नहीं लगती यार, तुम लोग तो बहुत ही धीरे करते। अरे भगवान, 2x इज इक्वल टू वाई ले आया शिवांग, तू बधाई हो भाई तेरे को। जनरली मैथ्स में अच्छा था। काफी अच्छी अलजेब्रा थी। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर, दिस इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, कि अभी मैं मिरर के लिए भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़े, आगे हो तो उसमें रोस्ट क्या करूंगा यार। अब देखिए, अपने पास में एक तो ये इक्वेशन है, राइट? आप चाहें तो इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली इक्वेशन है, बस इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अपन ने ओरिजिन शिफ्ट किया था। ओरिजिन शिफ्टिंग की इक्वेशन याद है आपको? तो इसमें ओरिजिन अपन ने कहा माना, यदि ऐसे लिखा था एक्स और वाई को, तो माइनस एफ कॉमा एफ यही हुआ ना ओरिजिन। नहीं हुआ, ओरिजिन शिफ्टिंग आता है कि नहीं आता भाई मैथ्स में? माइनस एफ को मैं एफ ही हुआ ना ओरिजिन। ठीक है, ये अपना एक्स और वाई हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है,
क्लियर? बिल्कुल, ग्राफ बना लोगे xi इसका बना लो, ये भी हाइपरबोला ही है, ठीक है ना, ये वो रेगुलर हाइपरबोला वाली इक्वेशन है, वो ऐसे ही बनेगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, x नॉट को जीरो पुट करोगे, ठीक है ना, 0.0 से निकलेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पोल पे, इमेज पोल पे वाली बात, ये मैंने निकाला है कॉन्वेक्स के लिए। जब दूसरे के लिए निकालोगे ना तो माइनस एफ आएगा, आएगा यही, परंतु उसका ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्वेशन यही आएगी, पर एफ चूंकि नेगेटिव में इसलिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। एक बार आप खुद से करके देख लो, कहीं आ गया कभी यही सवाल सीधे सीधे किसी और तरीके से नेगेटिव फोकल लेंथ देके, तो आप लोग गलत कर सकते, एक बार खुद के हाथ से कर लो। जैसे मान लो ये इसकी फोकल लेंथ है माइनस एफ, ठीक है ना, इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू ही माइनस एफ है, तो एफ अब एक पॉजिटिव नंबर हो गया। इसके लिए पूरा जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे के वैसे एक बार खुद सॉल्व कर लीजिए और ग्राफ भी बना लीजिए। क्या आ गया भाई ग्राफ शिवांग? ग्राफ गलत आया होगा, बता रहा हूं मैं पहले से। नहीं बेटा गलत, ओमकार गलत बोल रहा हूं। क्वेश्चन वही आएगी, वही बोल रहा हूँ मैं,
ओरिजिन वुड बी एट एफ कॉमा माइनस एफ. चलो नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूं. पहली चीज ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस, एक्स कितना होगा, एक्सो माइनस एफ, वाई कितना होगा, एक्स आई प्लस एफ. फिर से फॉर्मूले में पुट कर दो, वन बाय एक्स आई वन बाय एक्सो कितना है, एक्स प्लस एफ. यहाँ पे माइनस एफ लिखना पड़ेगा. क्यों माइनस एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फोकल लेंथ बोला है माइनस एफ है, एफ इज अ पॉजिटिव नंबर ही है, राइट. ये माइनस को इधर लिख देता हूँ, एक्स वाई माइनस एफ स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस एक्स एफ. बस लेकिन ओरिजिन शिफ्टिंग का आप देख लीजिए क्या गया ना. आगे अब तो समझ में, मिरर के लिए तो खुद करो यार, मिरर के लिए भी सेम काम था. जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, अब मिरर में तो क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट फोकस इमेज फोकस एक ही जगह होता है. तो एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय एक्सो की जगह एक्स प्लस एफ, और इसकी जगह पर वाई प्लस एफ इज इक्वल टू वन बाय एफ, राइट. सॉल्व कर लीजिए इसको, इक्वेशन आएगी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर. इसका यदि अपन बनाना चाहेंगे तो ये एफ कॉमा एफ पे आ रहा है ओरिजिन,
एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का तो कर लोगे आप खुद से। पक्का? चलो एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। एक और चीज है जो थोड़ा सा कोटा का स्पेशल है, तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, लगेगा भाई कुछ हो गया यहाँ पे। यहाँ पे एक काम और किया जाता है, चारों में से किसके लिए पढ़ाना है? एक के लिए पढ़ाऊंगा, बता दो। पॉजिटिव वाला बोलना है, मतलब खैर माइनस के लिए करो। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अब हम वन बाय एक्स आई को मान ले रहे हैं वाई, वो वाई अलग था ना, और एक्स मान ले रहे हैं वन बाय एक्स ओ, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एफ। ठीक है, वन बाय एफ को कह रहे हैं k। ये एक्स और ये वाई, थोड़ा यहां पे बात समझिएगा, मैं मार्किंग कर रहा हूं। जहां पे वन बाय एक्स जीरो है, मतलब एक्स जीरो है, ये जीरो, वो एक्चुअली इंफिनिटी है, राइट? ये पोल है, जहां पे ये वन बाय एफ है, राइट? और 2f पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 1 बाय 2f, और ये 1 बाय f, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर।
राइट अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस के एक्स जीरो और y जीरो एक्स हो गया माइनस में समझ में आया क्या कुछ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है, इसमें हम बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरा लेंस था इसके लिए याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट फोकस था ना और ये इमेज फोकस था, तो इमेज फोकस पॉजिटिव साइड में आया, ऑब्जेक्ट फोकस साइड में ये आया, राइट। इसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हो, बिल्कुल सही से टेबल रखियो कॉन्वेक्स मिरर लेंस की, तो एक बार देख लीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट फोकस से ये पोल है इधर, तो राइट याद है पोल है इधर, ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में है, तो इमेज कहां बन रही थी, इस साइड नेगेटिव साइड में बन रही थी, चेक कर लो आप फोर्थ जोन में ना। इसको मैंने सी कह दिया, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, 2F होता है, इसको कोई और नाम नहीं मेरे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर, अब यार इसको 2F कहूंगा ना, सी तो थोड़ा गलत, सी और ओ एफ के बीच में था यहां पे, तो इमेज 2F और इंफिनिटी के बीच में बन रही थी, बन रही थी, चेक कर लो आप, रीड कर सकते हो आप ऐसे ग्राफ को, ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में, इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, पक्का आपको वो चेक करना हो मैग्निफिकेशन, वो भी चेक कर सकते हो इससे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई बाय एक्स ओ, तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स बाय वाई, इस तरफ एक्स बड़ा है वाई छोटा है मैग्निफाइड, इस तरफ वाई बड़ा है एक्स छोटा है डिमिनिश्ड,
ठीक है, इरेक्ट इन्वर्टेड भी पता पड़ जाएगा, एक्स और वाई के साइन सेम, तो इरेक्ट इस वाले में इन्वर्टेड, रियल वर्चुअली पता कर सकते हैं आप, चारों के लिए बन जाता है ऐसा ग्राफ। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए एक थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मैं देना चाहूंगा। तो ग्राफ्स बेटा आप थोड़ा सा आप लोग हाथ पैर मार ही रहा ना,
चलिए शुरू करें। इंटेंसिटी की बातचीत चल रही है यहां पे। ठीक है, इसकी इमेज क्या बन रही है एक बार बता देना मेरे को। माइनस डेंसिटी मतलब कि यहां से 50, राइट? तो ऐसे क्यों नहीं करते अपन कि पुरानी इंटेंसिटी को लिख दे इसकी वॉटेज जो भी थी बटा 4π 60 का स्क्वायर, और नई वॉटेज को 0.75 w बाय 4π इंटू 0.5 का स्क्वायर, सॉरी 50 का स्क्वायर। What do you say? Is it correct, wrong, why? गलत सही कुछ तो बोलो भाई, कुछ लिखते नहीं है यार तुम लोग, इतना टाइम देता हूं। हेलो चैट पे कोई है नहीं क्या? सो नाउ दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, ठीक है, दिस इज जस्ट स्टूपिड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। शुरू करें। देखिएगा, ये w बाय 4πr स्क्वायर कहां से आया फॉर्मूला इंटेंसिटी का, पहले ये समझते हैं। यदि एक पॉइंट सोर्स हो लाइट का w वोल्टेज का, ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया यदि वो हर डायरेक्शन बराबर लाइट फेंक रहा है, आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स हो, हर डायरेक्शन बराबर लाइट फेंक रहा है, तो दिस इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस इज इंटेंसिटी, एग्रीड? अब ये पॉइंट सोर्स w वॉटेज का 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, इसकी वजह से यहां इंटेंसिटी लिखनी है अपन को, तो वो हो जाएगी w बाय 4π 60 का स्क्वायर, राइट? इसमें कोई तकलीफ? कंटिन्यू करूं मैं आगे? अब यहां कहानी बहुत अलग है, क्योंकि जो इसकी इमेज बनेगी ना वो तो सिर्फ आगे की तरफ ही लाइट लेके जाएगी,
हाँ कि ना? तो यहां कितनी एनर्जी गिरेगी पहले ये देखते हैं अपन, ठीक है, लेंस पे। तो मैं लेंस की अपर्चर या इसकी हाइट एल मान लेता हूं, अपर्चर के लिए। तो इस पे कितनी लाइट गिरेगी? ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो पाई एल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू बाय 4 पाई 20 का स्क्वायर, क्योंकि इस दूरी पर यही इंटेंसिटी है, राइट? की बात इंटू 0.75, क्योंकि इतनी लाइट आगे जा रही है। तो एसेंशियली ये लाइट है ग्रीन वाली जो आगे जाके गिरेगी। दिस इज द पावर दैट इज गोइंग फर्दर, यहां जो गिरने वाली है। कितने एरिया में गिरेगी? देखो ये 10 है, ये 50 है, 10 पे ये L, तो ये 5L, तो ये पावर गिरेगी 5L² एरिया पे। पुट कर दीजिए, आई से कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल समझ में आया ये 5L कैसे किया मैंने? जो एनर्जी यहां पे इतने इलाके में थी वो यहां कितने इलाके में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, 0.75 सवाल में दे रखा था। ये बहुत जरूरी सवाल है, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये नहीं तो लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला रख बाद में बहुत परेशान थे। बस डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कर दो। बड़े आगे कुछ नहीं पूछना, पक्का? इसमें मैंने वो वेलोसिटी वगैरह के सवाल नहीं लिए भाई लोग,
ठीक है। अच्छा वेलोसिटी से एक चीज आई, यदि कभी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आए तो यार कॉमन सेंस यूज कर लेना भाई, मतलब लेंस में या किसी में भी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाए कि ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। अब बताओ इमेज की वेलोसिटी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज का फॉर्मूला अपने पास है ही सही, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स आई बाय एक्सो है, जहां पे अपन एक्स आई इज इक्वल टू एक्सो एक्स एफ अपॉन या एफ ही लिख देते हैं यहां तो एक्स एफ, यही होगा। तो एक्स आई बाय एक्सो की वैल्यू पुट कर दो तो वायो एफ अपॉन एक्सो प्लस एफ, डिफरेंशिएट कर दो ये, उसमें मिरर में भी सेम काम कर सकते हैं आप चाहे तो वहां करके दिखा दो, वैसे मुझे याद आ रहा है एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो करा रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट किया, वायो को डिफरेंशिएट किया, दैट्स इट। कर लेंगे ना, उधर भी वहां का भी डिफरेंशिएट करके दिखाऊं फॉर्मूला, वहां फॉर्मूला ये होता है एक्स आई का मिरर में, तो वहां पे ऐसे बन जाता है वाई आई। तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी ऐसे निकल जाएगा ना, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाय डी टी और करते चले जाओ, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बहुत सारी फालतू चीज़ें पढ़ाई जाती है, नॉट मच इंटरेस्टेड, ठीक है। बहुत कूड़ा कचरा है, आपने हालत देखी है कूड़ा कचरा पढ़ने वालों की, रोज क्लास के लास्ट में आते पता नहीं क्या कर रहे, टाइम वेस्ट किस लेवल पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं जीवन में, है ना। कूड़े कचरे का इंटरेस्ट किस स्पीशीज का होता है आपको पता भी होगा, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो कचरा खाती है ढूंढ ढूंढ के। बढ़े आगे, देखिए एक कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा, वो मैंने अभी तक समझाया नहीं है तो उसको मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी आपको कितना समझ में आता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से अपन देख रहे हैं, यहां से डिस्टेंस नाप लेंगे, तो या यही रख देते हैं, बिल्कुल वो शिफ्ट में तो समझा यही रख देते हैं, तो अपन ने जो सीखा उसके हिसाब से डिस्टेंस हो जाएगा टी वन बाय म्यू वन प्लस टी टू बाय म्यू टू और देखने वाला यहाँ कहीं है तो इन टू म्यू ऑफ मीडियम, से ही डिस्टेंस हो जाएगा इमेज का। यही सीखा अपन ने, राइट।
यहाँ पे ओ है, ये म्यू मीडियम, या मैंने बीच में जबरदस्ती मान लिया कि एयर है, और ये म्यू मीडियम को बिठाते हैं, इधर भी एयर ही ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा मेरा। नहीं, आप थोड़ा सा बाहर मान लो यार, डिस्टेंस यहां से नाप रहे, देखने वाला है बस, यहां पे एयर, यहां पे एयर, यहां पे एयर, बीच में अपन ने थिन लेयर ऑफ एयर मान लिया, तो अपन वो शिफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कितनी शिफ्ट होगी इसकी वजह से, इसकी वजह से इतना शिफ्ट होगा टुवर्ड्स, तो यदि टोटल डिस्टेंस था T1 प्लस T2, तो उसमें से S घटा दूंगा तो PI मिल जाएगा, सेम वैल्यू लिख लो आराम से भाई, शिफ्ट टोटल डिस्टेंस घटा दूंगा तो काम हो जाएगा। क्लियर? मतलब कि यदि अपन बीच में एयर मान ले थिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ रहा है, एयर थी नहीं यहाँ पे, हमने देखा मैंने शिफ्ट का फॉर्मूला लगा दिया जबरदस्ती एयर मान के, फिर भी वही आंसर आ रहा है, मतलब अपन कहीं पे भी चाहे तो बीच में थिन लेयर ऑफ एयर मान सकते हैं, आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये एक लेंस है, म्यू वन रिफ्रैक्टिव मीडियम का, R1 R2 रेडियस का, एक दूसरा लेंस है R3 R4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मीडियम का रेडियस का, μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बीच में मैंने एक मटेरियल और भर दिया जो कि है μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सबको दिख रहा है यहां पे तीन लेंसेज है बेसिकली, और जो मैंने अभी भी पढ़ाया वो मान के बोलूं तो हम ये फोकल लेंस ऐसी मान सकते कि बीच में थिन लेयर्स ऑफ एयर है, नहीं तो रिफ्रैक्शन से भी सॉल्व हो जाएगा, और इसका एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली जा सकती है। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज बेसिकली P1 प्लस P2 प्लस P3 ऑल मेजर्ड इन एयर, जहां पे पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज 1/ फोकल लेंथ लेंस के लिए। जितने भी लेंसेज आए आप बीच में एयर मान के उनको इस प्रकार से सॉल्व करते जा सकते जो रख।
बात समझ में आई क्या मेरी थोड़ी बहुत? लेट मी शो वन एग्जाम्पल, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको समझ में नहीं आया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेक्स है ना, तो एयर मानने वाली बात पहले समझाऊं या ये इक्विवेलेंट निकालने वाली बात? टाइम थोड़ा सा कम बचा है ना, वैसे तो 10 मिनट। पहले ये एयर मानने वाली बात समझा, इसका डायग्राम भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ये स्थिति है, प्रोसीड। देखो बच्चों, 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। अरे यार किसके आंसर के लिए गंदगी को? हाँ भाई, ये बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि एयर में रखा है और पैरेलल रे आई तो वो 20 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज होती है यहां से। सॉरी, 10 सेंटीमीटर पे। लेकिन ये एयर मान के सोच रहे हैं अपन, यहां पे एयर है और इस तरफ क्या है, म्यू 4/3। तो यहां पे अपन को स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 4/3 अपॉन एक्स आई माइनस 1/+10 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन ने निकाला होगा तो कितना आया था, 10 सेंटीमीटर, तो -10।
लिख दिया, मैंने 10 क्यों लिख दिया, माइनस 1, राइट। ये 10 कैसे मान लिया अपन ने, क्योंकि वो एयर में रखा हुआ लेंस मान के सॉल्व कर लिया, बात समझ में आई क्या, और फिर लगा दिया स्फेरिकल रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला। ये कितना हो गया भाई, सो एक्स आई इज इक्वल टू 20। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, क्लियर बिल्कुल। चले सो ऑप्टिक्स की शीट तो अपलोडेड है ही सही, आईआर और प्रिज्म बचा है बस, तो एचसीबी बची हुई है, होमवर्क देता हूं मैं। सेवेंटी टू को परमानेंटली छोड़ दीजिएगा एचसीबी में, तो एचसीबी में 73 से 79, अज्यूमिंग आपको मैकेनिक्स आती है, नहीं आती है तो कोई नहीं, और एस वन 19 से 24 और S2 1 से 8 और 10 और 13, ठीक है, 14, चलिए काफी है इतना, ठीक है, चलिए बाय बाय।